बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक वेनर बनाएंगे। ये इस तरह के सिलिकॉन वेनर्स मौजूद होते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और हर जगह मिलते भी नहीं हैं। तो ये जो है इसका जो है मेरे पास जब ये अवेलेबल नहीं था तो मैं तब जो था ये वाला यूज़ करती होती थी। ये मैंने ख़ुद बनाया था और मैं दोनों का रिज़ल्ट बता भी देती हूँ कि किस तरीके से, एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह से इन दोनों का रिज़ल्ट होता है। रिज़ल्ट में कोई वो इनका जो है फ़र्क नहीं होता, एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। लेकिन ये है कि अगर आपके पास सिलिकॉन वेनर्स अवेलेबल नहीं होते तो आप जो हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो आपका सिलिकॉन वेनर होता है ये आपका दोनों साइडों से जो है वो उसका पैटर्न बना देता होता है। ये इसके पैटर्न्स हैं। अब यही जो है मैं इससे भी इसी तरीके से इसको थोड़ा सा पहले ग्रीस कर लिया करें, क्योंकि ये मैंने क्ले से बनाया हुआ है। और ये इसके ऊपर ये देखें इसके पैटर्न्स देखें। बिल्कुल वेन्स जो हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से लीफ का बना सकते हैं, किसी भी फ्लावर वगैरह का इजीली बना सकते हैं। बनाना कैसे है, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने थोड़ी सी क्ले ले ली है। आपने जितना बड़ा साइज़ रखना है उस हिसाब से आप क्ले लीजिएगा। मैं क्या करूँगी, ये मेरी क्ले थोड़ी सी हार्ड हुई हुई है, मैं ग्रीस वैसलीन से इसको थोड़ा सा जो है वो, कितनी वैसलीन लेनी है मैंने, ये इतनी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि मेरी थोड़ी हार्ड हुई हुई है, उसको जो है मैं सॉफ़्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी जो है वो वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। अच्छे तरीके से जो है इसको आपने तो मैं इससे बनाऊंगी। बस आपने अब इसको इसी तरीके से बारीक बारीक लाइंस इस पे लेके जानी है। ये जो इनके बीच बीच में थोड़ी यूं थोड़ी सी ऊपर जो है वो ज़्यादा लेके जाएंगे, ये यहाँ पे आपने ज़्यादा करनी है, क्योंकि अगर आप इस वाले का गौर से देखेंगे तो ये देखें नीचे कुछ ही लाइंस हैं और ऊपर अगर आप देखें तो वह आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही हैं, और छोटी छोटी लाइंस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, सारी एंड से नहीं स्टार्ट हो रही। हम उसी तरीके से पैटर्न इसका बनाएंगे। ये यहाँ से मैं क्या करूँगी,
थोड़ी सी लंबी लाइंस लेके जाऊंगी ये, और इनको इस तरीके से। आप जितने अच्छे आप इसके ऊपर बना सकोगे आपका उतना अच्छा ये बनेगा। ये बहुत अच्छा होता है सिलिकॉन वेनर्स फ्लावर्स वगैरह जो पेटल्स वगैरह होते हैं लीव्स वगैरह के लिए, उसके लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत जब तक आपको एक अवेलेबल नहीं होता टूल, तो फिर आप उसकी मदद से जो है वो अपने खुद ये टूल अपने लिए बना सकते हैं। चीप भी है, कोई महंगा नहीं है, किसी किस्म के कोई चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको खुद बनाएं और इसको यूज़ करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा लगेगा। बस सिर्फ ये करना है कि अपनी क्ले को यूज़ करने से पहले इसको थोड़ा सा सिलिकॉन वगैरह जो है वो इसके ऊपर वैसलीन लगा लिया करें, तो फिर उसके बाद जो है वो आपका ये बिल्कुल ठीक होगा। अब ये देखें, यहाँ पे मैं इसके बारीक बारीक लगा रही हूँ, मैंने कहीं पे भी इसका मोटा नहीं रखा हुआ। ये मेरा सिलिकॉन वेनर, ये जो एक वेनर है ये मेरा रेडी हो चुका हुआ है। ये देखें, ये मेरा एक रेडी हो चुका हुआ है। इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ड्राई होने के बाद जो है वो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फिर आपको यूज़ करना सिखा देती हूँ किस तरीके से इसको यूज़ करना है, यूज़ करके भी बता देती हूँ कि इसका रिज़ल्ट किस तरीके से है। ठीक है, तो ये मेरा अब ड्राई हो चुका हुआ है। इसको मैं एक दफ़ा जो है फुली, अभी ड्राई नहीं हुआ लेकिन इतना ड्राई हो चुका हुआ है कि मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा सकती हूँ। मैं इसका रिज़ल्ट एक दफ़ा तो दिखा देती हूँ किस तरह का है। आप कोई भी पैटल वगैरह बनाएंगे फ्लावर वगैरह की, तो आपने क्या करना है, मैंने अभी इसको ग्रीस नहीं किया क्योंकि मेरी क्ले नॉन स्टिकी है, तो इस वजह से मैंने उसको ग्रीस नहीं किया। ये देखिए, ये सेम वैसे ही पैटर्न्स हैं जैसे आपके रोज़ के वेनर्स वगैरह के होते हैं। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फ्लावर का जो है वो पैटर्न इस तरीके से बना के क्ले का यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर चुके हुए तो। अल्लाह हाफिज़।